ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਸੂ ਪੜੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਨ मेरे आंग गुनाह तो नजात में मिल गई तेरे नाल लाके यारी रूह मेरी खिल गई मेरे आंग गुनाह तो नजात में मिल गई असु प्रीति वांगरि नांडो ला मैं अजोब दीवांगरे नांडो ਖਤੂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ मंगा तेरी कोलो ये सुझी तू ते रो भी अंबला जान जदों का तेन मैं जिंदगी च पाया जदों का तेन मैं जिंदगी च पाया फिर दाम जा मानदा मंगा तेरे या तू ते दिल रे मंगियां सब कुछ मिल जा वचने तेरे जो दिल च वसाद बिल मंगिया सब कुछ मिल जान वचन तेरे जो दिल च वसांदा खोज करे जो सर गिराच खोज करे जो सर गिराच दी ओ माजा जिंदगी च मानदा की मंगा तेरे कोलो यसू जी

हाँ आइए हम खुदा के जिंदा कलाम के लिए ताली बजाएंगे खुदा पाप, खुदा बेटे खुदा के लिए कि जो हमारे दिलों को जानता है हमारे ख्यालों हमारे सोचों से वाकफ है और हमें उसको जानने के लिए हमें और उसके राय में जाना पड़ता है तो इसलिए हम आज रोजे के बारे में बात करेंगे छोटा सा कलाम करेंगे और उसके बाद हम दुआ या सेशन में जाएंगे अपने तो कलाम आज ये है कि फास्टिंग जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि Uh, हम फास्टिंग uh, सीजन में जा रहे हैं और uh, uh, ये uh, ये uh, मतलब इंसानी तौर पे हमारे ऊपर मैंडेटरी नहीं है लेकिन रूहानी तौर पे हमारे लिए मैंडेटरी है कि इट्स आवर

एक्शन ऑफ़ द कि हम दुआ तो करते हैं कि हम सुबह शाम दुआ करते हैं लेकिन हम दुआ रू में नहीं करते हम दुआ इस तरह करते हैं कि हम जैसे कि फर्ज पूरा कर रहे हैं तो लेकिन यू uh, नो you know, जो रोजा है वो हमें और स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने के लिए हमारी हेल्प करता है कि हम और डेप्थ में जाते जाते हैं कि खुदा उनको और जानते हैं इसलिए रोजा जो है ना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है मैंने कहा है कि रोजा इट्स इन मोर ऑफ द डीप एंड एंड डीप प्रेयर्स इन गोइंग इनटू द रोजा इज दूलिंग कि हम सब जानते हैं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो रोजा नहीं रखता होगा अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए खुदावन की खजूरी को हासिल करने के लिए या खुदावन की गुरबत में और जाने के लिए हम सभी इस एक्शन को करते हैं और ये हमारा पर्सनल मैटर है इट्स नो बड़ी एल्स बिजनेस एंड नो बड़ी नीड टू नो दैट अदर देन द क्योंकि हमारा रिलेशन जो खुदाउन के साथ है पर्सनल है और इसी तरह खुदाउंद एवरी इंडिविजुअल से चाहता है कि हर एक इंसान से खुदाउंद चाहता है कि हर एक बंदा जो है उसका वन टू वन रिलेशन हो खुदाउंद के साथ जैसे कि हम चाहते हैं कि खुदाउंद ऐसा है कि वो चाहता है कि हर एक बंदा जैसे कि हम फोर फैमिली मेंबर्स है हमारी मेरी बेटियां हैं तो हम सबका अपना अपना लेवल है अपने अपने पर्सनल रिलेशन हमसे चाहता है ये नहीं कि हम किसी की मौत हम नहीं मर सकते हर किसी ने अपनी अः मौत मरना हर किसी ने अपने एक्शन का जजमेंट आनी अपने जो उस अपने जो जो उसकी गलतियां जो खताए अपनी अपनी अपनी, अपनी गुनाहों गलती खुताओं के जवाब दे हर एक इंडिविजुअल अपने अपने मैं अपनी बेटी के लिए जैसे कि नहीं कर सकती कि मैं उसके गलती खुताओं के लिए हम दुआ कर सकते हैं लेकिन मैं उसके लिए उसके या हमारे जो हमारे जितने लव वन हम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम अपनी अपनी स्लीप जैसे कि हमें अपनी अपनी स्लीप उठानी होती है इसलिए खुदाउन जो रोजा भी इसी तरह है कि खुदाउन हर इंडिविजुअल के साथ अपनी मतलब अपने साथ उनके साथ फेलोशिप करना चाहता है उनके साथ बातें करना चाहता है इसलिए खुदा हर इंडिविजुअल को चाहता है कि वो उसकी जरूरी में तो रोजा इज एन एक्शन इट्स मोर ऑफ Uh, and others uh, level of the prayer, okay. प्रेयर्स के लेवल हैं कि प्रेयर्स एक तो हम ऊपर से कर देते हैं रोजाना रोटी रटाई कर देते हैं लेकिन हम कभी ये भी नहीं सोचते कि हम हम कभी उसमें डीप जाते हैं क्या हम मतलब उसमें बहुत गहराई में जाके पूरे दिल से जैसे कि कि कहता है कि हम पूरे दिल से दुआ करें तो इसीलिए हमें रोजे के बारे में जानना जरूरी है रोजा किस तरह रखना चाहिए वो हमें मसीह यीशु ने बताया मैं ये नहीं कहती कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि हम रोजा नहीं रख सकते खुदामयूस मसी ने रोजा मैंडेटरी तो उसने बोला तो नहीं लेकिन उसने ये बताया कि ही नो दिस इज एन अदर एक्शन विच इज वी कैन टू एट बिफोर वी लेकर आता है और खुदा होती है, और इतनी होती है हमें खुद खुद हमारी में जो, जो आसमानी बादशाह है उसकी कुंजी है कि हम रोजे के साथ रख के हम अपने उस मकसद के लिए रोजा रखें जिसके लिए हमने जाना होता है क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट जो होती है जिस जहां जहां हम खड़े होते हैं इट इज इट इज Just like evil, it's just like a different uh, realm, it's a different spirit there. So, we have to get rid of the spirit, we should not want to be that spirit which is like an unpeaceful spirit. So, we have to fast for those people and pray for them before when we to, place, so, to know, we have to pray, we spiritually, we have to Things को सोचने के लिए भी रोजा हमारी हेल्प करता है तो रोजा एक मैंने पहले कहा है कि रोजा इज लाइक like गहराई मतलब रोज़े के साथ जो दुआ होती है वो हमेशा गहराई में होती है कि वो पर्सनली खुदा उनके साथ होती है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इस दुनिया इज ऑफ डार्कनेस कि हमारे चुगिर्द जो कि मसीह खुदा के बेटे और बेटियां हमारे चुगिर जो है वो अः uh, Uh, हमारे चुगिर जो है पूरी डार्कनेस है हम डार्क हम रोशनी में है लेकिन हमारे चुगिर डार्कनेस है बेशक हम अभी यहाँ पे बैठे हैं खुदा की जूरी है लेकिन जब जिस जगह पे हम जाएंगे वहां पे खुदा की जूरी नहीं होती उस हजूरी को हटाने के लिए रोजा हमारी हाब करता है उस हजूरी को खत्म करने के लिए रोजा हमें वो हिम्मत और ताकत और तवा नहीं देता है ताकि हम उस डार्कनेस पे ओवरकम कर सके क्योंकि कोई किसी स्पिरिट में आता है har tarah that tarah ki evil spirits So, yeah, uh, it's a strong us all the times so we have to overcome on to that spirit which will strengthen us the fasting will strengthen us ki roza aur dua strengthen deta hai hame taqat deta hai himmat deta hai tawana deta spiritually then we are in the spiritual battle shaitan ke sath hamari jo ladai hai spiritual battle है. so it us to uh, overcome this battle through the Lord Jesus सिबिलिटी ली है मैं, मेरे, तुम सिर्फ मेरा नाम ही लोगे तो वो तुमसे दौड़ जाएगा वो तुम्हारे करीब नहीं आएगा तो उसने जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है तो हमें उसके उस हर एक बात से हमें उस पीछे से बोल रहे तो आइए हम क्लाम से पढ़ेंगे कि हमें रोजा किस तरह रखना हमें किस तरह जब रोजादार होता है तो हमें किस तरह आ, मतलब रोज़ा रखना चाहिए मैंने सबसे पहला God, that, and, it, no, हमें कोई भी इस तरह नहीं कह सकता कि भी तुम, आ, मतलब हाँ तुम रोजा रखो ये हमें रोजा ये हमें खुदा का स्पिरिट खुद गाइडेंस देता है कि हमें क्या करना है तो वो कहता है कि मैथ्यू में कहता है कि जब हम रोजा रखे तो यीशु मसीह ने आ, कहा कि जब तुम रोजा रखो क्योंकि तो पुराने आ, भाई आप अपना माइक म्यूट कर ले So, see ne Matthew 6, uh, 16 to 18, Jesus said in the 16 to 16, 18, because uh, we cannot receive Lord Jesus Christ, we cannot receive God without the prayer, without going in, uh, without, because unholiness will not bring us in the presence of God, or will not bring the presence of God among us. So, so what is that? The fasting is help us to become holy. And when we become holy and we get fill in the spirit that the God poured on his spirit onto us, then we can see him, we can see his heart. So and when you fast, do not look gloomy. मुंह पे गुलूमी के मतलब है कि अपने मुंह पे मुंह ना फैलाओ अपना अपने, अपने आप को ये जाहिर ना करो अपने दूसरों से हमदर्दी हासिल करने के लिए वो रोजादार जाने तो इस तरह की तरफ ना बनो वो बैठ जाते हैं सुबह से और कहते हैं कि ओ हमने रोजा रखा हुआ है ओ बड़ी भूख लगी है बड़ी प्यास लगी है ये है वो है कि हम दिखावे का रोजा ना रखें रखेंता तो है कि वेन यू फैस डू नॉट लुक ग्लूमी लाइक द दिपोक्रेट हिपोक्रेट जो होते हैं दे ऑफ क्योंकि वो इसके कहने का मतलब है कि कि मैंने पहले के इसके कहने का मतलब है है रोज़ा जो होता है ना, कोई भी तुम्हें रोज़ादार ना जाने, इस बिटवीन सिर्फ ना खुदा उनके क्योंकि वो ही हमारी सोचो हमारे ख्यालों से वाकिफ है हमारी जितनी हमारी सोच हमारे थॉट हमारे लिए कि दूसरों से हमदर्दी हासिल करने के लिए कि मैं रोजे में हूँ क्योंकि उसका मकसद जो है कि अगर दूसरों के लिए रखा जा रहा है खुदाउ के लिए रखा नहीं जा रहा है दूसरों को शो ऑफ करने के लिए रखा जा रहा है तो दैट मीन दैट रोजा इज जस्ट नथिंग कि जिस मकसद के लिए रखा जा रहा है वो मकसद तो पूरा हो नहीं सकता लेकिन जो कुछ भी है उसको शो किया जा रहा है कि दुनिया को दिखावे के लिए रखा जा रहा है तो दुनिया जो है वो तो डार्कनेस है तो इट्स ओनली फॉर द डार्कनेस इज नॉट फॉर हैव रिसीव देर रिवॉर्ड उन्होंने अपना रिवॉर्ड क्योंकि खुदावन के लिए रखा नहीं है तो फिर खुदावन ने क्या रिवार्ड देना है अगर लोगों के लिए रखा है तो फिर लोगों से रिवार्ड मिलेगा तो लोगों का रिवार्ड जो है वो जिंदगी तो नहीं होता ना देव इफ यू की लॉर्ड नॉट फॉर टू शो अपरा रिलेशन खुदा उनके साथ पर्सनल है नो इट्स नो बड़ी नो बड़ी टू नो दैट इट्स यू एंड गार्ड बिटवीन यू एंड गार्ड ये हमारे और खुदाउन के दरम्यान का मैटर है कि जो अगर हम खुदावन के सामने कोई हमारी घर में मसले मसाइल हैं जानने के लिए उसकी हजूरी को हासिल करने के लिए उसकी मर्जी को हमारी जिंदगी में पूरा करने के लिए हमारे मकसद में वो हमको निकालने के लिए हम उसके लिए रोजा रखें बट वेन यू फेस्ट नॉट यू है your 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 that your fasting may not be seen by by others but by your father who who is in in a secret and your father who sees in the secret and sees the will reward you रोजा वो कहता है कि जब तुम रोजा रखो अपने सर पे तेल लगा अपने मुंह को धो ताकि दूसरों के सामने ये जाहिर ना करो क्योंकि रोजा जो है वो हमें कमजोर नहीं करता जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर इसका रोजा रखने का मकसद है कि हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कुर्बान करते हैं खुदा की मर्जी को हासिल करने के लिए हम अपनी भूख को हम अपनी रोटी को हम रोटी नहीं खाते हम पानी नहीं पीते खाली मतलब के ड्राई फास्ट रखते हैं जिसका मतलब है कि ना रोटी खाना ना पानी पीना कुछ भी नहीं मुंह में डालना उसको ड्राई फास्ट करते हैं कुछ लोग पानी पीते हैं फूड नहीं खाते वो पानी वाटर फास्ट होता है कुछ लोग जो है मतलब ये जो रोजे रोजे खुदा उन के और हमारे दरमियान में है कि हम कुछ लोग जो है वो मीट नहीं खाते जैसे किंग डैनियल था कि वो मीट नहीं खाते थे उन्होंने 21 वन डेज के रोजे रखे थे उन्होंने सब्जियां साग पात खाते थे तो ये भी एक किस्म का रोजा है तो खुदाउंद आपको अगर अपनी हजूरी में लेकर आना चाहता है तो देन ही वहां से टू अनलिमिनेट दी स्टफ विच इज विच विल खास अ ब्लरिनेस इन योर ब्रेन कुछ फूड ऐसे है कि वो हमारे अंदर ब्लड खास करते हैं कि वो हमें खुदाउन की स्परिचुअलिटी में बढ़ने में मदद नहीं करते तो इसीलिए खुदाउंद कहता है कि जब तुम रोजा रखो तो तुम हशाश बशाश रहो और तुम मतलब के ये ना सोचो कि तुम्हें ताकत नहीं मिलेगी क्योंकि जब हम खुदावंद की जूरी में जाते हैं तो खुदावंत खुद ही हमें अपने पाक से भरता है और वो हमारी भूख को हमारी प्यास को खत्म कर देता है फिर हमें खत, ना प्यास लगती है ना भूख लगती है Okay, ye, ye jo hai, it's, uh, it's like it take us in a depth and give us a, it's a strength in our body and mind and soul then we can see the thing do, whose other cannot see in the spirit this is this is what the fasting is about and this is how we have to fast because give a fast can make to be

Prayers, unko jati. So Rosa, it's it's in a personal matter and it helps us in a, uh, uh, you know grow in the spirituality with the God and also it helps us, you know, to know the will of the Father. It takes it into the heart of the Father and the through Holy Spirit. It show us show us what's in the Father's heart for us and what is his plan for us. This is how we know the Father's will, by fasting and the prayer. And the fasting is we should not do the fasting like the others does, like a hypocrite. Lee. We have to be serious. It's a serious matter. It's very pure and it's very serious action, which is very mandatory for the believers to do it. जो हमारे लिए अतमोस्ट हमारी नींद है खुदा की हासिल करने की दुआ और रोजा और दुआ और रोजे से ही हम खुदा बाप की मर्जी को जान सकते हैं और उसकी मर्जी को हम अपनी जिंदगी में पूरा होने देते हैं तो फास्टिंग इज नॉट जस्ट लाइक फास्ट हमें फास्ट उस तरह नहीं करना कि जिस तरह दूसरे लोग करते हैं बल्कि हमें फास्ट करना है क्योंकि खुदावन के लिए करना है जो हमें जिसने हमें जिसने जिंदगी बच्चती है वो हमें हिम्मत और ताकत से भी भरता है हम 24 आवर रोजी रोटी पानी ना खाए पानी ना पिए रोटी ना पिए लेकिन फिर भी खुदा उनका रूह जो है ना वो हमें हमारी बाडी को फुल रखता है वो हमारी बाडी को मतलब गिरने से बचाता है क्योंकि जैसे यीशु ने कहा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा बल्कि उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलते हैं तो हमें सिर्फ रोटी की जरूरत नहीं सबसे ज्यादा अगर हमें जरूरत है खुदाउन की जरूरत है खुदा की जूरी की जरूरत है खुदा के पाखड़ों की जरूरत है खुदा के कलमा की जरूरत है, है जो हमारे दरम्यान रहता है बस यसू तो हमें खुदाउन का कलमा जो है वो हिम्मत बखता है जब हमारी रूह मुर्दा है तो बेशक हम रोटी खाएं तो हमारे जिसम को तो ताकत से क्या फायदा लेकिन हमारे रूह का बचना बहुत जरूरी होता है कि हमें रूह में चलना बहुत जरूरी होता है जिसमें हमारी मौत हुई थी उसी रूह को खुदा ने वापस किया तो उसी रूह को लेने के लिए हमें खुदाउ की हजूरी में बढ़ना होता है और उसकी गहराई को जानने के लिए रोजा और दुआ हमारी मदद करता है खुदांद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे खुदा की शुक्रिया करते हैं अः कि खुदाउंद पाक रुख के वसीला से हमने रोजे के बारे में जाना तो आइए हमारे पास्टर हरजीत हैं हम उनके